29 नवंबर 2017 को एक हम सर्च ऑपरेशन किया था। उसमें सर्च ऑपरेशन करते समय वापस आते समय एक माइंड ब्लास्ट लगाया था, जो आईडी प्रेशर माइंड था उसके ऊपर। जैसा मैं सबसे आगे चल रहा था तो आगे चलते समय वो मुझे समझ में नहीं आया, जो पेड़ का पत्ता और घास था उसके बीच में था, तो चलते चलते उसके ऊपर पाँव रखा और पाँव रखते ही ब्लास्ट हो गया सर। तो मुझे हॉस्पिटल ले गए, लगभग 6-7 घंटा लगा था हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। उसके बीच में 2 चॉपर चेंज हुआ और मैं हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद 28 दिन में मैं रिकवर किया था पूरा, और 43 डेज में मैं यूनिट वापस चला गया। यहाँ पे बहुत फैसिलिटी मिल रही है, मैं पहली बार देख रहा हूँ सीआरपी में ऐसा, बहुत अच्छा फैसिलिटी है। और यहाँ पे कंप्यूटर क्लास जो कोर्स करवा रहे हैं वो भी अच्छा है, जो हमारे आगे फ्यूचर के लिए भविष्य में हमारे काम आएगा। ये सर दिव्यांग सेंटर, सर हम लोग दिव्यांग के लिए बहुत बहुत से बहुत अच्छा सेंटर सर। हमको इसमें कुछ करने का मौका मिला है और कुछ करके दिखाएंगे देश के लिए, गोल्ड लाएंगे लाएंगे ही। और एनसीडी हमारे लिए बहुत से बहुत अच्छा है। कुछ जानकारी के लिए मैं कंप्यूटर पढ़ के कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो सीआरपी मैं अपने बच्चे को भी मैं सिखा सकता हूँ और मेरे दोस्त को, घर वाला को भी, नहीं तो ऑफिस में भी काम कर सकता हूँ। मेरे लिए बहुत से बहुत अच्छा है। हमारी जो फाइटिंग फोर्स है हमेशा इंजरी होती रहती है, तो इन लोग को कोई क्यों ना मौका मिला दिया जाए कि कुछ आगे कर सकें। जैसे मैं अपने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ा तो मैंने वही मेरे उच्च अधिकारियों ने मेरे जिम्मेदारी दी, मेरे को सेंट्रल पैरा स्पोर्ट्स ऑफिसर बना के मेरे को दिल्ली में ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में पोस्ट किया। और मेरे को बताया गया कि इस तरह की एक अपना लड़कों को मोटिवेट करो, लड़कों को इकट्ठा करो, स्पोर्ट्समैन को डालो, जिसका जो इंटरेस्टेड है, जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उनको करो, जो कंप्यूटर करना चाहते हैं कंप्यूटर के लिए, जो कोई भी म्यूज़िकल का क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र जो आप अडॉप्ट करना चाहते हैं उसमें उनको पार्टिसिपेट करो। तो मेरे मन में था कि ये इस तरह का क्यों नहीं एक पॉलिसी बन जाती है अपने यहाँ की, हमेशा फाइटिंग फोर्स है, हमेशा इंजरी होती रहती है, और एक मन में सोचता था इस तरह का। लेकिन आज जाके मेरा सपना पूरा हुआ यहाँ एनसीडी में। जितने भी लड़के आए जिनसे मैं पर्सनल बात किया, जो मेरे साथ स्पोर्ट्स में जुड़ चुके थे वो लड़के, उसके अलावा मैंने पर्सनल बात करके सबको बोला कि आप एक बार आओ, ये कोर्स करो, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है।